आपको सामा बिलोक में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश खुरम जिंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बर्ड्स का जो लगाते हैं नेस्टिंग बॉक्स, वो कैसे लगाते हैं, वो लगाने का आपको प्रॉपर तरीकाकार बताऊंगा स्टेप बाई स्टेप। मैं आज आपको ये नेस्ट बॉक्स इंस्टॉल करने का तरीकाकार बताऊंगा, जिसके अंदर जो चीजें आपको चाहिए वो एक कोपेक्स पाउडर चाहिए, ये मैंने लिया किंग बॉक्स का, ठीक है। उसके अलावा हमें एक नेस्टिंग मटेरियल चाहिए, ये आम शॉप से मिल जाता है और इसकी जो प्राइस है वो 50 रुपीज है, तो ये आम शॉप से मिल जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर ये कैसे डालते हैं और प्रॉपर आपको मैं तरीके से बताऊंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ये हमने इसको खोल लिया है और अब हम इसके अंदर कोपेक्स पाउडर डालेंगे, ठीक है। ऐसे ये छिड़केंगे हम, ताकि कोई जो इंसेक्ट्स किलर हैं वो ये इनको, जो लव बर्ड्स हैं इनके बच्चों को भी और इनको तंग ना करें। और ये आपने सारा अच्छे तरीके से छिड़क देना, इर्द गिर्द सारे ना, ये देखें ऐसे जैसे मैं छिड़क रहा हूँ, चारों तरफ आपने अच्छे तरीके से छिड़क देना, ठीक है। एक तरफ से मैंने छिड़क लिया अच्छे तरीके से, अब मैं इसको बंद करूँगा और अब मैं इसको दूसरी एंड से छिड़कूंगा, ताकि ये उधर भी अच्छी तरह डल जाए, ठीक है। तो ये मैं अब छिड़क रहा हूँ, ये आप देखें ये बहुत ईजी है। ये देखें, ये ऐसे आपने डालना है इसको अच्छे तरीके से, ये साइडों पर भी डाल देना आपने और इधर भी डालना, ठीक। ये जब ये डाल लिया अच्छे तरीके से, तो आपने इसको बंद कर देना और थोड़ी देर इसको रख देना, ताकि ये जो अंदर हवा में ये उड़ रहा है ये अच्छे तरीके से बैठ जाए और बर्ड्स को परेशान ना करें। ये नेस्टिंग जो मटेरियल है ये डालने का तरीका कर बताऊंगा प्रॉपर। तो ये जो इसमें लगा हुआ क्लिप, मैं पहले खोल लूँ फिर मैं आपको इसका बताता हूँ तरीके का। जो मैंने गेट रखा है उसमें आपने ऐसे कर लिया, आपने इसको बिछा दिया, बहुत इजी तरीके का आ रहा है, कोई मुश्किल नहीं है। ये हर जो लव बर्ड जो है वो उसको अच्छे तरीके से कर सकता है, ठीक है। आपने ऐसे ले लिया, इसके अंदर आपने ऐसे रखना है, ठीक है, एक एंड से रखना है। फिर आपने यहाँ से जो आधा मैंने रखा था उसको लेना, लेने के बाद उसको आपने ऐसे रख लेना, ठीक है। तो ये आपने एक घोंसले की शक्ल बना देनी है, ताकि जो बर्ड हैं, बाकी ये जो बर्ड हैं, ये जो नेस्टिंग है ये खुद ही चेंज भी करते हैं, तो आपने ज़्यादा इसमें वो कुछ ज़्यादा नहीं करना, ऐसे ही है। ये थोड़ा सा ले के ये आपने इसको ऐसे अंदर कर देना और ये प्रॉपर इसको बैठा देना आपने अपनी जगह, ठीक है। बैठाने के बाद जब आप इसको प्रॉपर बैठा लेंगे तो आपने इसको बंद कर देना, ये इससे ज़्यादा आपने नेस्टिंग नहीं डालनी, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह से नेस्टिंग प्रॉपर अपनी जगह बैठ चुकी है, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये अब मैं ये इसको अब मैं इंस्टॉल करूँगा, ठीक है, इसको मैं अब लगा दूंगा। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें मैं अब इसको लगा रहा हूँ, ये मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया माशाल्लाह, ठीक है। अब ये थोड़े से फेमिलर होंगे इसके साथ, अंदर जाएंगे और थोड़ा सा ये अंदर जाके देखेंगे ये जो फीमेल और मेल दोनों के, ये हमारे लिए सेफ एंड साउंड है। तो माशाल्लाह से ये डीएनए पेयर है, ठीक है, इसके अंदर पेस्टलिनो का मेल है और अल्बाइनो रेड आई की फीमेल है, ठीक है। ये जब इनको ये एडजस्ट हो जाएंगे तो माशाल्लाह से ये इसके अंदर एग ले कर देंगे, ठीक है। तो यही आपको एक इन्फॉर्मेशन मैंने देनी थी, मुझे ये मतलब लगा कि मैं ये आपको बताऊं कि इसको जो नेक्स्ट बॉक्स है इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो मैंने एक ये छोटी सी वीडियो बनाई है, तो मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।